लिलिया, अपने गांव की सबसे होशियार और होनहार लड़की। ये है उसके बाबा और ये उसकी माई, और ये है लिलिया की कहानी। लिलिया जब अपने गांव से पहली ग्रेजुएट होने वाली लड़की बनी तो पूरा गांव उसी खुशी में झूम उठा था। उसके घर इकट्ठा हो गया था और सबने यही कहा कि लड़की ने नाक ऊंची कर दी। ग्रेजुएशन के कुछ समय बाद ही लिलिया की शादी हो गई और वो अपने पति के साथ उसके गांव चली गई। अजी सुनते हो? हाँ बोलो। मैं ये सोच रही थी कि ये बच्चे यहाँ खेत में क्यों काम कर रहे हैं? खेत में तो और क्या करेंगे, क्योंकि ये स्कूल क्यों नहीं जाते? यहाँ स्कूल है ही नहीं। हाँ क्या स्कूल नहीं है? हमारे गांव में स्कूल नहीं है। स्कूल नहीं है? लिलिया ये बात जान के बहुत परेशान हुई। वो देर रात तक यही सोचती रही कि इस बारे में आखिर क्या किया जाए। फिर उसे एक आइडिया आया। लिलिया गांव के बच्चों का भविष्य लेके चिंतित थी। उसने सोचा, यहाँ स्कूल नहीं है तो क्या हुआ, स्कूल बनाया तो जा सकता है। और इस तरह उसने अपने मन की सुन के ये ठान ली कि वो अपना खुद का स्कूल बनाएगी इन बच्चों का भविष्य रोशन करने के लिए। फिर एक रात अचानक लिलिया की तबीयत खराब हो गई। उसे तेज बुखार उठाया। उसके बदन में एक अजीब सी जलन थी। उसके हाथ और पैरों में उसे एक आग महसूस हो रही थी। उसे फौरन ही अस्पताल ले जाना पड़ा। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टर्स लिलिया को फौरन ऑपरेशन थिएटर में ले गए। बहुत समय बाद जब लिलिया को होश आया तो उसने देखा कि उसके हाथ काट दिए गए हैं। लिलिया को गैंग्रीन डायग्नोज हुआ, जिसके चलते उसको अपने दोनों हाथ गंवाने पड़े। उसकी पूरी दुनिया एक रात में पलट गई। कितने ख्वाब देखे थे उसने कि गांव के बच्चों का भविष्य रोशन करेगी, पर यहां तो उसकी ही आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। हिम्मत मत हारो लिलिया, हम सब तुम्हारे साथ हैं। जिंदगी में ऐसी कई रुकावटें आती हैं, पर उनकी वजह से तुम जीना नहीं छोड़ सकती ना। तुम हार नहीं मान सकती लिलिया, तुम हार नहीं मान सकती। मैं हार नहीं मानूंगी। तीन आनी दो। लिलिया ने हार नहीं मानी। इन परेशानियों से बढ़कर थे उसके सपने। उसने इस बीमारी का डटकर मुकाबला किया और आज भी वो इन बच्चों को अपने स्कूल में पढ़ाती है।